अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो मेरे पुत्र ते पुत्री हो, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज का सलूशन। अब ये जो लेक्चर है ये फेडरल बोर्ड वालों के लिए है और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है जो केमिस्ट्री की बुक है वो आपकी चेंज हो गई है। जो न्यू सिलेबस है 2022-23 वाला करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री की बुक है ये उसका सलूशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एक्सरसाइज के सलूशन के, ख़ास तौर पर ये अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। तो मैं जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका मैं आंसर बताता जाऊंगा, ठीक है। उसकी ना एक एक एमसीक्यू की ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। डिटेल आपको जिस वक्त हम लोग आएंगे ना एक्सरसाइज में मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन पे, तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिव्यू क्वेश्चंस को या एमसीक्यूज जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच स्टडी करती है एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा। सो ऑप्शन है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जियोकेमिस्ट्री। तो इसका आंसर है बच्चों सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको जहरीला होने से कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच बचाने में मदद करती है। ऑप्शन है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जियोकेमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू कौन सा है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव्स टू गाज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। केमिस्ट्री का कौन सा शोबा पोल्यूटेंट्स के बिहेवियर को समझने और पोल्यूशन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स डेवलप करता है। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड जियोकेमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक हो गया, क्योंकि पोल्यूटेंट्स की बात आ रही है। पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीजेस ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच मदद करती है बीमारियों को ट्रीट करने में ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन और नई इद्वियात बनाने में, ठीक है। सो उसके ऑप्शंस है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि देखो यहाँ पे एमसीक्यू में आपको ऑर्गेनिक का वर्ड नज़र आ गया, ठीक है। सो उस बेस पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेक्ट करना है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज ऑफ हैज़र्डियस सब्सटेंसेस। साइंस की या केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच मदद करती है
केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को समझने में, जो कि बेसिकली खतरनाक सब्सटेंसेस के इस्तेमाल को कम करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है ऑप्शन, फिजिकल केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री है एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक हो गया, तो ये आज के लेक्चर में हमने पहले 5 एमसीक्यूज देख लिए। इस चैप्टर के टोटल 10 एमसीक्यूज हैं, नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो होपफुली लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।